इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो कंबाइंड एंट्रीज होती हैं, जैसे वो कहता है क्वेश्चन नंबर है मेरे बच्चे 4 अप्रैल 5, पेड सैलरी 20,000, रेंट 5,000 एंड वेज 6,000 बाय चेक। ठीक है, आपने क्या पेड करा है? आपने पेड किया है सैलरीज, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिएगा, तो आप लिखेंगे सैलरीज डेबिट कितने रुपए से, 20,000 से। आपने रेंट पेड करी है तो आप लिखेंगे रेंट डेबिट 5,000 रुपये से। आपने वेज पेड करी है तो वेज आप पेड करेंगे 6,000 से। ये सब नॉमिनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल में डेबिट होता है, एक्सपेंडिचर डेबिट। टू बैंक एंट्री पास हो गई। आपको मालूम है बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट टू रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। तो बैंक गिवर है, इसमें क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। टोटल एंट्री करी 20, 5, 25 और 6 कितना आ गया, 31,000 रुपये। कॉन्सेप्ट समझ आया? अब हम बात करते हैं अप्रैल 7 की। ठीक है बेटा जी, अप्रैल 7 में आप क्या करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। आपने गुड्स परचेज किया सक्षम, आपको इसमें प्रॉब्लम आती है कई बार, इसमें GST यदि आए तो GST वाला अलग से बता दूंगा, वैसे वो आप देखेंगे तो डेबिट और क्रेडिट, परचेज साथ डेबिट कर दो, सेल के साथ क्रेडिट कर दो, जस्ट इतना ही होता है और कुछ भी नहीं है। आपने परचेज गुड्स किया किससे, हरी से किया है। जब किसी का नेम देता भाई तो इसका मतलब ये समझो आप उसने क्रेडिट पे बिका है, सही है, क्रेडिट पे यानी उसने हमें सोल्ड किया है। तो परचेज कर रहे हैं हरी, यानी हमारा क्रेडिटर होगा। फिर बात आती है बेटा जी, उसने कितने रुपए का माल खरीदा है? तो आप यहाँ बोलेंगे उसने 30,000 रुपये का गुड्स परचेस किया है एट ए 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 30,000 का 10% डिस्काउंट निकालिए आप, तो ये निकल के आएगा 3,000। 30,000 का 10% कितना आया, 3,000 ट्रेड डिस्काउंट आया, एंड एडिशनल 2% कैश डिस्काउंट। भाई 30,000 में से 3,000 तो उसने दे ही दिया, आया निकल के 27,000। फिर इसका बेटा जी आप करेंगे 2% जो हमारा कैश डिस्काउंट है, तो यानी ये हमारा हुआ 540। अब आप एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ये आपने सामान को खरीदा, आपने गुड्स किससे खरीदा है, आपने उस गुड्स को खरीदा है हरी से, लेकिन कैसे खरीदा है, वो बोला कैश, क्योंकि आपने उससे कैश खरीदा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट आप लिखेंगे 27,000 रुपये से, क्योंकि आपने 30 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना है 27,000। यहाँ तक बात समझ आई? आपको डिस्काउंट मिली है, उसने बंदे ने डिस्काउंट दिए 540 रुपीज़ की, 27,000 में से आप 540 माइनस करें तो टोटल आया 26,460। जनरल का फॉर्मेट आपको मालूम है, आप यहाँ देख सकते हैं जनरल का फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है जनरल का, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, अमाउंट यानी ये उसका फॉर्मेट।